गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर का आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, द सैंडी रोड। लेट्स रीड। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन अ स्मॉल विलेज। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक व्यापारी रहता था। ही वॉन्टेड टू सेल हिज गुड्स, गुड्स मतलब होता है सामान, इन अ फार अवे टाउन अक्रॉस द डेजर्ट टू ट्राई हिज फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत। वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए रेगिस्तान के दूसरी पार दूर कस्बे में अपना सामान बेचना चाहता था। वन डे ही डिसाइडेड टू टेक अप दिस जर्नी अलॉन्ग विद अ फ्यू हेल्पर्स। एक दिन उसने कुछ हेल्पर्स यानी कुछ सहयोगियों के साथ उस यात्रा को करने का निश्चय किया। ही स्टार्टेड ऑफ एट द हेड ऑफ अ ह्यूज कारवा ऑफ कैमल कार्ट लोडेड विद फूड वाटर एंड फायरवुड। उसने गाड़ी में यानी कि ऊंट गाड़ी में खाना पानी और जलाने के लिए लकड़ियां भरकर बड़े कारवा के सिर वो चढ़ गए, यानी कि उन्होंने अपनी जर्नी जो थी वो स्टार्ट कर दी। द मर्चेंट रिक्वेस्टेड अ लोकल विलेजर टू गाइड देम थ्रू द डेजर्ट। व्यापारी ने एक स्थानीय गांव वाले से उनका मार्गदर्शन करने के लिए रिक्वेस्ट की। एज द डेजर्ट बिकम सेवरली हॉट ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन के समय रेगिस्तान बहुत गर्म हो जाता है। द विलेजर सजेस्टेड दैट दे शुड ट्रेवल ड्यूरिंग द नाइट। तो गांव वाले ने उनको सजेस्ट किया कि उन्हें रात के समय यात्रा करनी चाहिए। वेन द मून कूल डाउन द सैंड, जब चंद्रमा मिट्टी को ठंडा कर देता है। विद द अराइवल ऑफ नाइट दे स्टार्टेड ऑन देयर जर्नी, रात होते ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। द विलेजर सैट इन द फर्स्ट कार्ट, जो गांव वाला था वो पहली गाड़ी पर बैठ गया। एंड गाइडेड द मर्चेंट एंड हिज फ्रेंड बाय फॉलोइंग द पोजिशन ऑफ द स्टार्स, और स्टार्स की पोजिशन देखकर उसने उनका मार्गदर्शन किया। इन दिस वे दे वर एबल टू ट्रेवल फॉर द होल नाइट, उस रास्ते पर वो पूरी रात यात्रा कर सकते थे। एंड कैंप्ड ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय वो कहीं पर कैंप लगाकर रुकते थे। चैप्टर आपको यहाँ तक रीड करना है अच्छे से। थैंक यू।